संयोजन गेंद देते हुए हमारे विधायक साहब को जोर की तालियां होना चाहिए। गेंद पर भी कम मार करके लड़कियों का यह फाइनल मैच का उद्घाटन हमारे विधायक साहब के द्वारा हो चुका है। और साथ ही साथ मैं बजर चौरी स्पोर्टिंग क्लब काटीमरी गोरखपुर के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में जर्सी पहने हुए और पटना बिहार की टीम इस बीच में ग्रीन कलर की जर्सी पहने हुए। फिलहाल यहाँ फाइनल मैच का खेल होना है। इससे पहले हमारे इन सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे वीआईपी मंच में मौजूद हमारे स्थानीय विधायक साहब, हम सब के लोकप्रिय हम सब के विधायक साहब श्री प्रदीप यादव जी, मैं उसे सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे इन सभी लड़कियों को हौसला को बढ़ाने के लिए इन सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने का शुभ काम करेंगे। और उसके अपरांत खिलाड़ियों के बीच इस फाइनल मैच का यहाँ शुरुआत हो जाएगा। हमारे बीच में बजल सोलन स्पोर्टिंग क्लब काठीवरी गोरखपुर के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में हमेशा से ही इनका कृपा रहा है। इस क्लब में इस टूर्नामेंट में हमेशा बराबर वो योगदान देते रहे हैं और आज भी हमारे बीच इस ग्राउंड पर आकर के इस टूर्नामेंट का चार चांद लगा है। हमारे स्थानीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी को एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम। और इसी बीच हमारे खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय बजल सोरेन स्पोर्टिंग क्लब काठीवरी गोरखपुर के अध्यक्ष महोदय रामलाल सिंह जी, साथ ही साथ संयोजक महोदय बेनेडिक्ट खबरम जी, क्लब के उपाध्यक्ष फ्रांसिस सोरेन, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए नरेंद्र जी इस मैच के जो ऑफिशियल्स हैं। और फिलहाल पटना बिहार की टीम के खिलाड़ी हैं। और खुशी की बात यहाँ यह है कि हमारे विधायक के सुपुत्र वो भी इस मैदान पर आए हैं। और डॉक्टर रिपी जी वो भी हमारे बीच वो भी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते थे जो कि विधायक साहब के सुपुत्र डॉक्टर रिपी। और यहाँ पर अध्यक्ष महोदय और संयोजक गेंद देते हुए हमारे विधायक साहब को जोर की तालियां होना चाहिए। गेंद पर भी कम मार करके लड़कियों का यह फाइनल मैच का उद्घाटन हमारे विधायक साहब के द्वारा हो चुका है। और साथ ही साथ मैं बजर चौरी स्पोर्टिंग क्लब काठीवरी गोरखपुर के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में आए हुए हमारे मीडिया के सभी बंधु, मीडिया के सभी पत्रकारों को मिस्टर वरुण मिश्रा, दैनिक जागरण के मीडिया के पत्रकार आए हुए हैं, साथ ही साथ रवि ठाकुर प्रभात खबर से और साथ ही साथ विनोद कुमार जी हिंदुस्तान पत्रकार यहाँ पर हमारे इस ग्रीन पार्क स्टेडियम काठीवरी में वो भी आए हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर एफसी गोंडा और पटना बिहार के बीच का ये सीधा भिड़ फाइनल में और टीम यहाँ से जीत के जाएगा ये कुछ ही देर में चले आएगा। और जैसा कि आज यहाँ पर हमारे वीआईपी मंच का प्रोटोकॉल को काफी टाइट कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है हमारे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पहली मरतबा हमारे इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में उनका कदम उनका आगमन होने जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, एक बड़ा ही
हम सब के लिए एक गौरव का क्षण होगा जब हमारे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। यहाँ यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है एफसी गोड्डा वर्सेस पटना बिहार के बीच, और इस मैच के आगे का सुनाने के लिए मैं आग्रह करूंगा मनोजा, इससे पहले मैं शुभ आशीष के लिए पूरा बेनेडिक्ट माइक्रोफोन पर इच्छा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन दमाद चाहिए सरकारी। हल्का भोजन कम कर दीजिएगा क्योंकि प्लेयर इस समय कंटिन्यू है, हल्का सा भोजन कम कर दीजिएगा ताकि प्लेयर को भी परेशानी नहीं हो, और जो दर्शक जो इस मैदान के पास इस मैच को अपने आंखों से नहीं देख पा रहे जो इस मैच का Don't say it in the food court.
धन्यवाद। दर्शक सुन रहे यहाँ पीएम कैसे घूम रहे हैं, यानी कि पॉकेट मार कर आप लोग सतर्क रहिएगा। एक आदमी का पोस्ट चोरी हो चुका है और पीएम साहब आप लोग सुन रहे हैं, अगर ट्रेनियत होगा, अगर पकड़ा गया तो समझ लो कहीं का नहीं रहोगे। आप लोग को मैं सतर्क कर देता हूँ कि यहाँ पॉकेट मार सब घूम रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाइएगा। जो घूमे आप आइए चलिए गोल हुई कर दिया पाटिया बटे गोल वर्सेस एएफसी कोटा
दोनों फ्रेंड इस टीम के मैनेजर से गुजारिश होगा कृपया करके आप यहाँ अपने खिलाड़ी को रेडी करेंगे, कभी भी आपको अपनाया जा सकता है। और मैं डांस ग्रुप के हमारे डायरेक्टर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कृपया करके खिलाड़ी थोड़ा घर प्रेशर करा, लेकिन जैसे भी हो कुछ गोवा मुकाबला में गोटा एक्सीडेंट उनको सामने में पूर्ण गोटे राष्ट्रीय स्तर में खिलाड़ी पूरी को इधर रास्ता जाम है बेहतरीन, लेकिन अच्छा टैकल यहां पर कर रहे हैं डिफेंस लाइन से पटना बिहार के ओर से अच्छा इंटरसेप्शन किया, मौका बन सकता है अभी भी खतरा पूरी तरह से बाकी है हेडर तो मौका बन सकता है, लेकिन ऐसे में जो खतरा बना था जर्सी नंबर दो अगर जहां तक एकेडमी पर विश्वास पत्ता ने दी भी मुझे लगता है मैच रेफरी नियम को पूरा करना ही बाकी रह गया है, इस मैच में ज्यादा समय नहीं है, फाइनल मैच के लिए पुरुष वर्ग से दोनों टीम के कैप्टन और टीम मैनेजर ध्यान देंगे, टोटो ब्रदर्स उन्हीं को रहा कल दो वर्सेस एएमसी गोड्डा अपने टीम के खिलाड़ियों को डगआउट में लाने का कष्ट करेंगे, और मगर मुझे लगता है छह गोल जो आप बात कर रहे थे इस श्रृंखला का जो उद्घाटन मैच था उसमें छह गोल का बहुत बड़ा अंतर था, आप जो ऑडियो सुना देंगे आप भी जानकर के जो नहीं आए थे पिछले दो दिन इस टूर्नामेंट का फुल टाइम मिसल इस साल के स्टाफ को बालिका वर्ग से पटना बिहार की टीम ने 5-0 से इस मुकाबला को जीत करके विनर टीम बन गई है इस वर्ष के लिए, और आप लोग अपने अपने जगह पर कैसे बना के बैठे रहे।